दाखला मिटशे एक अस्पताल और खासकर काशी नेटवर्क अस्पताल जो काशी तबादले आम नगरी हेल्थ सेंटर को लागे लगा तबो सरकार ने थे लागे बजे चाचे चाचे ने लागे जहाँ दे प्यार करे थे ये और दुमगा प्रिंस पर मंजैक से बुक चले अभी खराब में प्यार करे थे मुंगे दे समर्थन को हुआ अभी माने जरूरत भी जो पंपर जमान तक इतासुक किया और दिल्ली खिलाफ पर इतिजाज को बंद की कुम हो जाता है जब इस अंते प्रस्वाद के लोगों का इस बाई फंक्शन मेंबर अमरगुर शर्मानी और सनोटा ने कल को द बिजली ने मुश्किल खिलाफ इतिजाज करो प्रस्वाद मटा के और ये इंसान और नंबरदार बच्चे ने अभी दे बजाय ची यदि आवाज और इधर ही दागी खिलाफ हम केसर रजिस्ट्रेशन भी दी अभी तो इलाके को खलन बहुत ही को मुझे ज्यादा सपोर्ट दिली थी और दागी आपका की जलसा करे था और तकरीबन एक करी थी और जो अर्थ तक दागी आवाज और इधर की थी आगे वाले आगे के साथ गिरफ्तार की और मंगल शर्मानी की वक्त जेल की मिले तमाम सरनंद सार राजदम शिविरा और दगम शिविरे अभी देर में इनकार कर चुके होंगे न भी बीए को न बेल को और अगले परिवार के इनाम सुख परे बिजली निजाम पिक्चर मिली तो तभी निजुरत कमूंगा सलाम का हुआ हो पदेमाने वही उपन प्रदान तपुसंग को चे वही सशुष्टावस्था के दावे कि ताज बड़ा हवा को खिमत करे नए पाकिस्तान को रोक समर को करे आगा अगर सचु कि उस खरक इत्तेजाज हम कई ताज ताकत आवाज रात से आगे न ताज खरक प्रवेश गया उन पे ताज कुछ कमल नहीं कि ताज सुबह द हवा को मुश्किलात पता किए मैं इस मौके पर एक बार फिर गुलाबराज साहब हमें चाहिए कि हम आवाज तक ये बात पहुंचाएं कि इनको मौका मिल गया इन्होंने जितने दावे किए थे उनको टाइम भी मिल गया इन्होंने वो दावे साबित नहीं किए मेरे ख्याल में तारीख में ऐसी हुकूमत बहुत कम आई होगी जो कि पहले दिन से कहे कि जी बंदूक वाली कोते भी हमारे साथ है और पाकिस्तान की जो सबसे ताकतवर कोते हैं वो भी हमारे साथ है और उसके बावजूद अगर ये डिलीवर ना कर सके तो मेरे ख्याल में इसकी सारी नाअहली जो है वो तरीक इंसाफ और इमरान खान के ऊपर ही आती है ये और किसी के उसमें जमे में नहीं आ सकती और इसीलिए हमें चाहिए कि हम आवाम को ये इनका असल चेहरा जो है वो दिखाएं मेरे ख्याल में लोग खुद भी इस इंतज़ार में बैठे हैं कि कौन आएगा हमारे पास और हमने ये इनको दिखाना है कि कौमी वतन पार्टी जो है वो पेशावर के लोगों के लिए पेशावर की जिले के लिए आवाज़ भी उठाएगी इसके लिए जद्दोजहद भी करेगी और इसमें आप एक अहम किरदार अदा करना है इस हवाले से इस इलेक्शन को हमने एक प्लेटफॉर्म बनाना है जिससे हम अपनी एक तहरीक का आगाज करें और इसको जनरल इलेक्शन तक हम अपनी जद्दोजहद को ले जाएं ताकि हम आइंदा इलेक्शन में यहाँ से पेशावर से भरपूर नुमाइंदगी हासिल कर सकें।